से रेपरो बनाने जा रहे हो, क्या व्यवस्था है और क्या टाइमिंग रहेगा और एंट्री कैसे होगी, इसके बारे में बताओ जी। श्री राम दशहरा कमेटी बरसद रोड पानीपत कल दिनांक 25 अक्टूबर को दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से परंतु सूक्ष्म रूप से मनाने जा रही है, जिसमें हमने दशहरा ग्राउंड में एक बाउंड्री लगाई है 200x200 की, जिसके अंदर ही सारा कार्य होगा, उसके अंदर ही रावण दहन का कार्य किया जाएगा, उसके अंदर ही मुख्य अतिथि बैठेंगे, उसके अंदर ही हमारे मेंबर होंगे और उसमें जनता जनार्दन को प्रवेश करने की एंट्री नहीं होगी। उनके लिए हमने सिटी केबल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये लाइव दिखाया जाएगा। जहाँ तक रावण दहन की बात है, रावण दहन का समय शाम को 5:33 रखा गया है। हनुमान स्वरूपों की एंट्री होगी 3:30 से शुरू कर देंगे उनकी एंट्री, पहले पूजन होगा 3:30, उसके बाद इमीडिएटली हनुमान स्वरूपों की एंट्री अलाउ कर दी जाएगी। 2 से लेकर 3 तक आम जनता के लिए दर्शन के लिए हम ये जगह खोल देंगे और 3 हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको से आप ये ग्राउंड खाली कर दें, आम जनता जनार्दन जिसने दर्शन करने हैं, पूजा करनी है रावण की, वो कर सकते हैं। हनुमान स्वरूपों के साथ 4 उनके भगत जन अलाउ किए गए हैं, वो उसके साथ अंदर एंट्री करेंगे, बाकी भगत जन ग्राउंड के बाहर रहेंगे, उनका इंतजार करेंगे। तो किसी भी हनुमान स्वरूप के साथ ढोल या गोला बारूद अंदर अलाउड नहीं होगा, ये हमारी व्यवस्था है। हमने जैसा कि हमें प्रशासन के दिशा निर्देश मिले हैं उसके तहत केवल 200 व्यक्ति प्लस हमारे मुख्य अतिथिगण जो 10-15 होंगे ये अंदर होंगे, बाकी सारी जनता बाहर होगी। प्रधान जी, जैसे श्रद्धालु जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनके जाने के अंदर जाने की व्यवस्था क्या रहेगी, किन चीज़ों को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा? उनको मास्क लगा के हमारी मशीन लगा रखी है, अब लगाएंगे हम सैनिटेशन की, और मास्क तो हमने कई वहाँ पर होल्डिंग लगा दी, अभी मास्क के बिना अंदर प्रवेश ना करें। अभी हमने इश्तिहार भी निकाला है, पड़ा है मेरे पास, अभी भी सबके लिए कहा है, हनुमान भक्तों के लिए और सभी जनता जनार्दन के लिए प्रार्थना की गई है कि बिना मास्क के अंदर एंट्री ना कराई जाए। ये हमने अभी एक पंपलेट के द्वारा सभी जनता जनार्दन को सूचित किया है। अंदर एंट्री श्रद्धालु कितने कर सकते हैं एक बार? अंदर श्रद्धालु जो है 1 हम चाहेंगे, 1x1 जाएँ, ज़्यादा रश करना ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना हो, ऐसा हम कोशिश करेंगे। आपकी कमेटी कितने मेंबर ड्यूटी पे रहेंगे? हमारी कमेटी के मेंबर 108 मेंबर हैं हम अंदर, अब 108 मेंबर हैं और हमारी एक युवा टीम भी है जो पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था देखती है, 15-20 मेंबर वो भी है, टोटल 125 मेंबर हो जाएंगे। उसमें कितने आते हैं, कोई बाहर हैं, कुछ और व्यस्त हैं, 100 आते हैं, 80 आते हैं, 70 आते हैं, बाकी अतिथिगण होंगे या हनुमान स्वरूप होंगे। पुलिस की सहायता भी लोगे आप? पुलिस पूरी प्रशासन ने हमें कल जो दी गई है परमिशन, हमने बात की है SHO साहब से भी, पुलिस में गए हैं, तो उनका भी पूरी व्यवस्था आपको दी जाएगी, एक अंडर दी जो अथॉरिटी होगा DSP एक होंगे, उनके नीचे जो भी SHO या स्टाफ लोग, पूरी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस प्रशासन की। मुख्य अतिथि कौन होगा जी, कितने टाइम का प्रोग्राम होगा आपका? मुख्य अतिथि हमारे जो आ रहे हैं जी, एक तो सांसद हमने इनवाइट किए हैं, अब सांसद अगर कहीं दूसरे काम में व्यस्त है तो उनके कोई उनके परिवार के से आएंगे, और दोनों ही विधायक ग्रामीण और विधायक शहरी, प्लस जो हमारे मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुमित कुमार जी हैं, प्लस हमारे मुख्य अतिथि हैं चंद्रशेखर शर्मा हैं, प्लस हमारे एक मुख्य अतिथि और हैं चंद्रशेखर शर्मा जी हैं और संजय भाटी, दोनों विधायक भी हैं, और प्लस जो 2 MC हैं वार्ड के, वार्ड एक और जिसका एरिया लगता है, दोनों MC हमारे उस कमेटी में भी शामिल, स्वागत की कमेटी में शामिल। जनता से क्या अपील करोगे? जनता से अपील ये की जाती है कि जनता जनार्दन अपने घर में बैठकर सिटी केबल के माध्यम से इस उत्सव का आनंद प्राप्त करे, वहाँ पर रश इकट्ठा ना करे, ऐसे हमारे प्रशासन के निर्देश हैं। कितने पुतले लगाए जाएंगे जी? पुतले वहाँ पर लगाए जा रहे हैं जी, पुतले शुरू हो गए हैं लगने वहाँ पर, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। एक पुतला हम लगा रहे हैं कोरोना का, जो कोरोना महामारी है उसको हमने, उसका भी दाह संस्कार करना है हमने, ताकि ये लोगों में अमन चैन की शांति हो, लोग अपने कार्य स्वस्थ रहें, कार्य निर्विघ्न कर सकें, ये हमारे कोशिश रहे।